प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो वर्क नहीं कर रही है, तो हम इसका स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि 2000 रुपए आए या फिर नहीं आए, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। यदि आपको भी जानना है तो बने रहो हम लोग साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि पूरे देश के अंदर लॉकडाउन जारी है। दोस्तों इस लॉकडाउन के बीच में सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वाले सभी लाभार्थियों को 2000 रुपए की जो किस्त है उनके खाते में भेज दी है। लेकिन दोस्तों उसका स्टेटस चेक करना होता है, यानी कि 2000 रुपए आए या फिर नहीं आए, या फिर कितने रुपए हमारे खाते के अंदर, यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हमें कितने रुपए अभी तक मिल चुका है। तो दोस्तों इसकी जानकारी लेने के लिए आप सबको पता है कि हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाते हैं और फार्मर कॉर्नर का जो ऑप्शन है उसकी सहायता से हम आराम से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों दरअसल बात क्या है कि अब जो फार्मर कॉर्नर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल वहां से गायब हो चुका है। तो सीधी सी बात है, काफी लोगों को जो भी इसके लाभार्थी है उन सभी को इस बात की समस्या आ रही है, वो स्टेटस कैसे चेक करें। दोस्तों इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि आप यदि वेबसाइट काम नहीं कर रही है तो आप कैसे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं बड़े आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से। दोस्तों यदि आपको भी जानना है तो बने रहो हम लोग साथ, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बड़े आसानी से और सिंपल भाषा में सब चीज मैं आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों मैं उस रुपया चौबे और आप देख रहे हैं हमारे चैनल चौबीजी टेक्निकल। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकन को, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो या फिर कोई टेक्निकल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों चलिए आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। जैसा दोस्तों आप सब देख रहे हैं, यहाँ पे मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पा चुका हूँ। यहाँ पर देखिए हम चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर जो पहले ऑप्शन आते थे बेनिफिशियरी का, मतलब अपन चेक कर सकते थे कि हमारे रुपए आए या फिर नहीं आए, या फिर जो भी है फॉर्म भर सकते थे, वो सारी बातें जानकारी यहाँ पर मिल जाती थी, ठीक है। लेकिन अब जो है अब यहाँ पर ये ऑफ हो गया है, ठीक। तो ये मतलब देखा जाए इस वेबसाइट के ऊपर से काफ़ी लोगों को परेशानियाँ हो रही है और अपने जो काम करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, ठीक। तो दोस्तों आप सबको पता है, चलिए हम देख लेते हैं इसका जो ऐप है, मतलब आप सबको पता है इसका एक एप्लीकेशन भी आता है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना गोल के नाम से ऐप है, वो ऐप भी वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं दोस्तों आपको एक लिंक बताऊंगा, उस लिंक की सहायता से आपको उस ऐप को डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम जान लेते हैं कि यदि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो वेबसाइट है यदि वर्क नहीं कर रही है तो आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, उस वीडियो के नीचे मैंने एक लिंक दिया था कि उस लिंक के साथ से आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वाले ऐप को डाउनलोड करना होगा। लेकिन कई जनों को यह प्रॉब्लम आ रही थी कि वो डाउनलोड करने उनको नहीं आ रहा था। दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कि उस ऐप को कैसे डाउनलोड करना है। चलिए मैं चलता हूँ यूट्यूब के ऊपर। तो जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं ये YouTube के ऊपर मैंने एक वीडियो ओपन कर रखा है। दोस्तों इस वीडियो की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। इस वीडियो को आप ओपन कर लेना। जैसे आप इस वीडियो को ओपन करेंगे, इस वीडियो के नीचे एक देखिए यहाँ पर लिंक होगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है PM किसान ऐप लिंक, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिंक, ये लिंक है। यदि इस लिंक से आपको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस लिंक का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले लिंक से ही डाउनलोड करने बता रहा हूँ कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको इस लिंक के ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपको देखिए यहाँ पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। रीडायरेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए लिखा नो प्रीव्यू अवेलेबल, ठीक है। तो काफ़ी लोग इस चीज़ को देखकर काफ़ी मतलब ऐसा सोचते हैं कि फर्जी वीडियो बना दिया, लिंक डाउनलोड नहीं हो रहा। बिल्कुल दोस्तों ऐसी बात नहीं है, लिंक फर्जी नहीं है आपको। दरअसल बात यह है कि आपको डाउनलोड करने सही तरीके से आ नहीं रहा। तो क्या करना है आपको, दोस्तों बात यह है कि आपको डाउनलोड करने नहीं आ रहा तो आपको मतलब समस्या हो रही, तो आपको गुस्सा आता है, तो आप बोलते हैं फर्जी वीडियो। लेकिन ऐसा दोस्तों बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं कभी फर्जी वीडियो बनाता ही नहीं हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा नो प्रीव्यू अवेलेबल, तो आपको बिल्कुल फेक नहीं समझना है। आपको यहाँ पर देखिए ऊपर एक तीर का निशान नजर आ रहा होगा, इस तीर के निशान पर अगर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं आपको अपना गूगल ड्राइव को रिडायरेक्ट कर दिया जाता है और गूगल ड्राइव को ओपन करने कहा जाता है। जैसे आप ओपन करेंगे आपसे जो भी मतलब आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर होगी उस सारी ईमेल आईडी को यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पर मेरी काफ़ी सारी ईमेल आईडी इसके अंदर लॉगिन है तो दिखा दी गई है। आप जिस ईमेल आईडी के अंदर इसको ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं उस ऐप को क्या करना है, उसके ऊपर सेलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने मतलब पहले वाले पर सिलेक्ट किया हुआ है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर देखिए ओके पे क्लिक कर लेना है। तो ओके पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए ओके पे जैसे क्लिक करें यहाँ पर दोस्तों आपको पैकेज इंस्टॉलर लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। इसके ऊपर क्या करना है आपको, क्लिक करना है पैकेज इंस्टॉलर के ऊपर। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर जैसे डाउनलोड होगा आपको यहाँ पर देखिए इंस्टॉल करने का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ठीक है। इंस्टॉल क्या करना, इंस्टॉल के ऊपर क्या करना आपको क्लिक कर लेना होगा। यहाँ पर इंस्टॉल पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऐप है ये डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ऐप डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने डाउनलोड करने का तरीका आपको समझा दिया। अब क्या करना है आपको, देखिए ओपन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं सीधे ओपन कर सकता हूँ, बट मैं चलिए आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मेरे ये जो ऐप है ऑलरेडी डाउनलोड यहाँ पे करके रखा हुआ डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये ऐप ये रहा, ठीक है, PM किसान।
तो आपको सबको पता होगा कि चारों तरफ जो ये ऐप भी वर्क नहीं कर रहा था पहले और ना ही वेबसाइट वर्क कर रही थी। तो आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है डाउनलोड करने के बाद, जहाँ मैंने लिंक दिया था यहाँ जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो वेबसाइट मतलब ये जो ऐप है अब ये ओपन हो जाएगा और आप आराम से बेनिफिट्स यहाँ पर देखिए। आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, रिमाइंड लेटर का ऊपर ऑप्शन जो आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना होगा, ना कि ओके पे क्लिक करना होगा, ठीक है। और बेनिफिशियरी वाले स्टेटस की सहायता से आप आराम से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसकी मतलब मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, आप आराम से अपने इसके ऊपर यहाँ डालकर अपना बेनिफिशियरी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ मैंने आपको सब चीज़ अच्छे से समझा दिया होगा। काफ़ी लोगों की समस्या थी कि उसको इस ऐप को कैसे डाउनलोड करना है उस लिंक की सहायता से, तो आपको इस तरह डाउनलोड करना होगा और आप आराम से अपना प्रधानमंत्री किसान ऐप का जो यूज है कर सकते हैं अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने के लिए, ठीक है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, धन्यवाद। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, उस वीडियो के नीचे मैंने एक लिंक दी थी, उस लिंक के साथ से आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ओल्ड वर्जन वाला जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड कैसे करना है मैंने उसको भी बता दिया है, क्योंकि काफी लोगों का सवाल ये था कि उस ऐप को कैसे डाउनलोड करना है। आपने लिंक तो दे दिया है फिर भी डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको डाउनलोड करने सिखा दिया है। तो उस ऐप को आपको डाउनलोड करना है और जो प्रोसेस बताया है मैंने आपको आराम से चेक करना है, उसके साथ से आप आराम से अपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो स्टेटस है आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपको काफी सारी समस्याओं सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आप हो सकता है आप ऐसे पूछेंगे कि जैसा लग आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो प्रोसेस्ड में लिखा हुआ है, वो पैसा कब आएगा, ऐसे काफी सारे जो सवाल है आप पूछ सकते हैं। उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पे कमेंट करके अपने सुझाव को रख सकते हैं। हो सकता है उन सुझाव को देखकर हम भविष्य में और नई वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, या फिर आपके कमेंट का जो रिप्लाई है नीचे ही कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको जानकारी और वीडियो कैसे लगा, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको इस बात की नॉलेज हो सके। और दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए। आने वाले फ्यूचर में कुछ इस प्रकार की वीडियो लेकर आने वाला हूं जो सीधा तौर पे आपके लिए हेल्पफुल साबित हो पाएगी, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी फिलहाल रुका हुआ है। इसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। हो सकता है दोस्तों मैं फ्यूचर में और अच्छी वीडियो लेकर आऊंगा जिससे आपको कुछ हेल्प मिल सके, ठीक है। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।